हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑप्शन एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर, एज ए मैथमेटिक्स टीचर। तो चलिए, आप सभी को आपका अपना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग के बीच हम लोग बोले थे कि आज बहुत ही खूबसूरत और बेहतर अंदाज में एक वीडियो बनाया जाएगा, जो बेहतर कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें वेक्टर के ऑल फार्मूला को डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाए हमारे साथ। देखिए, हमने बोला सदिश बीजगणित, जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर ऑल फार्मूला मैंने लिखा है कि यानी वेक्टर के टोटल फार्मूला जो 12 से रिलेटेड है, जो बोर्ड में आने वाला है, सभी फार्मूला को मैं आज एकत्रित किया हूं। हमारे साथ लगातार निरंतरता के साथ हमारे साथ बनेंगे आप लोग। देखिए, लिखे भौतिक राशियां, जिसमें लिखे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक का नाम होता है स्केलर क्वांटिटी। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। ये जनरली में भी आप सभी लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा हमारे साथ बनेंगे। सदिश राशि है क्या, बाकी डिफिनेशन में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सदिश राशियां, जिसमें हमने लिखा है बल, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, विद्युत धारा, क्षेत्र, त्वरण इत्यादि। इसी तरह हम आपको बताएं कि बल के मतलब जिस लाइक सदिश है क्या, तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले से भी, जिसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, है ना। जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। आप सभी लोग पहले से जानते होंगे इस चीज के बारे में। तो इसमें हमने लिखा है अदिश राशियां, तो ऐसी यानी अदिश राशि है क्या, तो वैसी राशियां जिसमें परिमाण हो परंतु डायरेक्शन नहीं हो, उसे अदिश राशि के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है कार्य, ऊर्जा, दाब, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, चाल, घनत्व, आयतन इत्यादि सभी होते हैं। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं दोबारा रिमाइंड आप लोग के बीच कर दिया। सदिश राशि का मापांक, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, आखिर है क्या। तो देखिए, जस्ट लाइक मैंने एक वेक्टर मान लिया कि वेक्टर ए है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए है जिसमें हमने क्या माना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर ए का मोड कर लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए, हमने आप लोग को बताया था, जरा इस बात को आप क्लियर करेंगे। अगर जस्ट लाइक अगर हम एक फोटो अगर एजूम करें इस लेवल पर, तो यहां से आपका हम नाम रख देते हैं, सपोज इसको नाम रखते हैं एक्स, इसको नाम वाई, इसका नाम अगर जेड रखते हैं, तो आप समझ रहे हो कि इसको हम लोग बोलते हैं आई, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं के कैप। इस आधार पर हम लोग लिख दिए इस रूप में वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आगे हम आपको दिखाएंगे, इसको अगर मोड करेंगे तो आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है। तो आप सभी लोग इस बातों को समझ लिए होंगे, जस्ट लाइक मैंने अगर आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं। तो देखिए, यहां पर लिखिए आई का मापांक सेंस, आई कैप का मापांक, आई का मोड रूट अंडर वन के स्क्वायर प्लस जीरो के स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब इसी तरह हम जे का मापांक अगर कहेंगे, तो जे के गुणांक के स्क्वायर करेंगे, यानी जीरो के स्क्वायर वन के स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, यानी वन हो जाएगा आपको। इसी तरह के कैप का अगर हम देखेंगे, तो के कैप का मापांक निकालेंगे तो जस्ट लाइक ये आएगा। यानी आप लोग याद रखेंगे, आई कैप का मोड, जे कैप का मोड, के कैप का मोड बराबर कितना होता है, वन होता है। अब याद रखने योग्य बात हमने लिखा है, लंबाई या परिमाण निकालना हो, याद रखें, लंबाई या परिमाण निकालना हो तो हमेशा मोड करेंगे, मोड निकालेंगे। ये बात के लिखे हमने कि किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है, और मापांक सदिश को निरपेक्ष मान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, छोटी सी बात है, मापांक सदिश को निरपेक्ष मान भी कहते हैं, थोड़ा सा बात को याद रखेंगे। यही बात मैंने लिख दिया है कि इसको एक्स आई कैप है, जे कैप है, और एक के कैप है। इसी से मैंने आपको पीछे बताया था कि एक वेक्टर को उत्पत्ति किए थे, जिसको नाम रख दिए थे वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक जनरल सी बात है, मोड निकाले आप लोग को आ गया होगा, बहुत ही हम शॉर्ट वे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा एक झलक पढ़ रहे हैं। जीरो वेक्टर क्या है, शून्य सदिश क्या है। तो शून्य सदिश को हम लोग, जिसमें ना जिसमें हम आपको बोले होंगे कि शून्य सदिश एक दिशाहीन सदिश होता है, यानी सिंपल में शून्य सदिश में हम लोग कहेंगे कि ऐसा ये डबल ए, डबल बी, डबल पी, डबल सी, डबल टी, कुछ भी लिख देंगे, तो इसका मतलब शून्य सदिश को सूचित करते हैं।
और एक बात और आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि शून्य सदिश एक दिशाहीन सदिश होता है। एक बार एग्जाम में पूछ चुका है बाबू कि शून्य सदिश कैसा सदिश होता है, तो याद रखेंगे शून्य सदिश एक दिशाहीन सदिश होता है। अब इधर आते हैं, वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वेक्टर ए बी इज नॉट वेक्टर, वेक्टर ए बी इज नॉट वेक्टर। मतलब आपको हम कहेंगे वेक्टर ए बी के मान जीरो के बराबर नहीं हो तो वेक्टर ए बी इज नॉट जीरो वेक्टर, यानी आप जीरो वेक्टर नहीं कर सकते हैं। यानी वेक्टर ए बी के मान जीरो के बराबर रहेगा तभी हम आपको कहेंगे कि शून्य सदिश है, अगर जीरो के बराबर ना हो तो इसका मतलब शून्य सदिश के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए हमने लिखा बिंदु पी का स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसमें लिखे वेक्टर ओपी। यहां से हम लोग जो दर्शाए हैं उसी चीज को लिख दिए, जैसे वेक्टर ओपी है, वेक्टर ओपी का दूसरा नाम वेक्टर आर भी है। तो वेक्टर ओपी हमने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और थोड़ी देर पहले बताए थे कि इस तरह से इसको मोड निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक जनरल सा बात है, छोटा सा बात है, इसको आप प्रयास करेंगे समझने का। छोटा समय में हम चाह रहे हैं कि जल्दी में फॉर्मूला आपको याद करा दे। यहाँ पर लिखे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश वेक्टर ज्वाइनिंग टू वेक्टर, यानी यहाँ पर कहते हैं जस्ट कहीं समझिए ना, तो आप जरा से विचार करके देखिए तो वेक्टर ओ ए वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। आप एडिशन वेक्टर पढ़े होंगे तो ट्रायंगल सलासे हमने लिख दिया वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। ये प्लस ऊपर टिक गया तो माइनस बन गया, यानी वेक्टर ए बी अगर कहें तो आप कहेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। यानी पोजिशन वेक्टर निकालने के हम सिंपल तरीका कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि प्यार का पोजीशन वेक्टर निकालो तो भगवान, तो सीधे सीधे लिखना कि वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओपी, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओपी। उसी तरह अगर हम कहें कि सीआर का पोजीशन वेक्टर निकालो छोटू तो वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओसी। तो यानी याद रखने योग्य ये बात है कि पिछला माइनस अगला कर दे, तो यही बात लिखे वेक्टर ए बी मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। उसी तरह वेक्टर ए बी कहे हैं तो यानी सेंस की एक्स टू माइनस एक्स वन आई बाई टू माइनस वाई वन जे जेड टू माइनस जेड वन के, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस बाई टू माइनस वाई वन जे अब प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। यानी आपको पोजिशन वेक्टर कहेगा तो साफा बात याद रखेंगे पिछला में से अगला को घटा दिया जाता है। तो बहुत अच्छा, ध्यान से आप लोग देखेंगे हमारे साथ। अगर इस बात के बाद अगर हम देखें तो एक बात लिखे हैं, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो क्या हो सकता है, अदिश घटक क्या होता है, तो अदिश घटक यानी स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, तो एक्स वाई जे। यानी कह सकते हैं कि दिए गए वेक्टर में आई कैप जे कैप के गुणांक को कॉमा दे दे कर लिख देते हैं तो उसे स्केलर कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, अदिश घटक के नाम से जाना जाता है। उसी तरह सदिश घटक हम कहें तो सीधे सीधे एक्स आई कॉमा वाई जे कॉमा जेड के, यानी कॉमा दे दे कर लिख देते हैं, यानी कि सदिश कहलाए सदिश घटक कहलाता है। सदिश घटक क्या कहलाएगा कि जो वेक्टर देले है उसको कॉमा दे देकर व्यक्त कर देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के साथ रखते हैं, तो वैसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश पूछेगा तो एक के बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड याद रखेंगे, एक के बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, जहां ए कैप के मोड बराबर वन होता है। एक बात और हम कह दिए के परिमाण वाला इकाई सदिश बताएं तो क्या होगा, तो के इंटू ए कैप, यानी अगर मैं अगर कह दू यहाँ पे कि वेक्टर ए बराबर सपोज मैंने कि बोलो कि आई प्लस 2j प्लस 3k, 3k कैप का दे है तो 7a कैप निकालें, तो सबसे पहले आप a कैप निकालें, तो a कैप निकालने यहां से तो यहां पर होगा वेक्टर a बटा वेक्टर a के मोड कर लेंगे। यहां से जब निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास a कैप का मान आ गया जस्ट लाइक देखिए, तो हम लिखेंगे कि i प्लस 2j और प्लस में 3k लिख देंगे, इसका मोड अगर करेंगे तो एक जोड़ चार जोड़ नौ हो जाएगा। यानी अगर एक की बात कहेंगे हम लोग तो सीधे सीधे बोलेंगे वन बटा नौ चार तेरह चौदह, चौदह आई कैप प्लस टू जे बटा चौदह के चौदह और प्लस थ्री बटा रूट अंडर चौदह के कैप। अब यही आपको कहा सात इकाई, तो सात लिख दीजिए एक कैप लिख दीजिए, सात से गुना कर लीजिए इसमें सीधे सीधे, तो यहां सात बटा रूट चौदह आई कैप,
जे बटा रूट 14 और प्लस 21 बटा रूट अंडर 14 के, तो याद रखेंगे कि इकाई सदिश जिसको निकाले आ गया, कोई कांस्टेंट से गुना भी कर लीजिएगा, तो इस तरह की बात हुआ कि के परिमाण वाला इकाई सदिश मतलब के इंटू एक है। क्लियर है? तो ये जनरल सा छोटा सा बात है, दिमाग में रखेंगे। एग्जाम्पल है वो दे दिए, एग्जाम्पल के ऐसे कोई जरूरत नहीं था। कहते हैं यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो दिक अनुपात क्या होगा, तो दिक अनुपात के मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जस्ट लाइक स्केलर कंपोनेंट टाइप का हो गया। अगर वेक्टर ए बराबर इतना है तो हमको डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को लिख देते हैं, तो उसे डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं, दिक अनुपात के नाम से जाना जाता है। यही हमने लिखा दिक कोसाइन क्या होगा, तो दिक कोसाइन को हम लोग सूचित करने के लिए बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं, चाहे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से भी डिनोट किया जाता है, बहुत डिटेल में हम लोग साबित वगैरह किए थे। तो एल बराबर एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर, एम बराबर वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन बराबर जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके बारे में बहुत में डीपली में साबित कर करके बता चुका हूं। अगर हम इसको शॉर्ट वे में कहें तो एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर के मान कितना होता है, तो 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगर कहें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के मान कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। इसी तरह याद रखें कॉस को अगर साइन में बदल दें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 के बराबर होता है। याद रखना, इसमें से पक्का प्रॉमिस वादा है कि आपका क्वेश्चन आपको छापा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम जब 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 एग्जाम दीजिएगा देखिएगा इसमें से जरूर कोई ना कोई होगा, तो आप हमारे साथ बनेंगे। अब देखिए हमने कहा है कि वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री एंड वेक्टर बी बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री संरेख 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 होगा, यानी आप ध्यान में रखेंगे संरेख कब होगा, तो याद रखिए संरेख होगा कब, यदि वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो। अगर दो को वेक्टर दे ले वेक्टर ए और वेक्टर बी, कहेगा संरेख बताओ कि है कि नहीं, तो सीधे बोला वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, चाहे पूछ सकते हैं ए वन बटा बी वन बराबर ए टू बटा बी टू बराबर ए थ्री बटा बी टू, तो इस कंडीशन में संरेख होने का शर्त होता है, इसको भी मैंने आपको साबित करके बताया था। अब कहा समान सदिश सेंस की इक्वल वेक्टर क्या है, तो कहें यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तथा वेक्टर बी बराबर ए वन आई ए टू जे ए थ्री के समान है, तो समान है तो सेंस आप कहेंगे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो आपस में बराबर कर दें। बराबर करने के बाद आगे आगे के बराबर पीछे पीछे के बराबर पीछे पीछे के बराबर करो, यानी आई के गुणांक के बराबर जे के गुणांक के बराबर के गुणांक के बराबर करेंगे, यानी तो हमको एक्स बराबर ए वन वाई बराबर ए टू और जेड बराबर ए थ्री हो जाएगा। इस तरह से हमने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल, ऐसे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब अगला बात अगर हम कहें तो खंड सूत्र आया, जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। जब अंतर विभाजन हो, देखिए फोटो मैंने लिख दिया है कि वो है, इसे ए बोले इसको बी बोले इसे पी बोले, तो ओ ए मतलब वेक्टर ए, ओ बी मतलब वेक्टर बी, ओ पी मतलब वेक्टर आर, तो इस बात को थोड़ा सा केयर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर आर बराबर लिखे, एक सूत्र है विभाजन सूत्र, जस्ट लाइक दशमा टाइप का ही है। विभाजन सूत्र कहता है एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन, कब, जब अंतर विभाजन कहेगा तब। अब बाह्य विभाजन कहेगा तो वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बटा एम माइनस एन। अगर आपको कहेगा कि जब मध्य बिंदु कहेगा, मध्य बिंदु कहेगा, मिड पॉइंट कहेगा, तो वेक्टर आर बराबर याद रखे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाई टू। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, है ना, वेरी गुड। अब देखिए मैंने लिखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में थीटा कोण बनाने वाले रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे याद रखेंगे, यानी घड़ी के विपरीत प्लस में और घड़ी के दिशा बोलेगा तो कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे होगा। यही बात को मैंने लिखा कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से घड़ी के सुई के दिशा में थीटा कोण बनाने वाली रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, तो कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। फॉर्मूला हम चाह रहे किसी भी हाल में सही बच्चों याद कर ले। अब देखिए मैंने लिखा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल,
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या इसी को हम बोलते हैं दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हमने लिखा पहला पॉइंट में वेक्टर ए डॉट बी के मतलब वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी के मोड कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट बी के मतलब ए के मोड बी के मोड कॉस थीटा। उसी तरह ए डॉट बी कहें तो ए भी कॉस थीटा बोल सकते हैं, ए डॉट बी कहें तो ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा बोल सकते हैं, ए डॉट बी कहेंगे तो बी ए कॉस थीटा भी बोलते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है। उसी आधार पर मैंने लिखा है कॉस थीटा और वेक्टर ए डॉट बी बटा ए के मोड और बी के मोड। आपका दो सदिश के बीच, दो सदिश के अदिश गुणनफल के बीच का अगर कोण पूछेगा तो ये गुणा में बटी भागा में खाली कर दिए, यानी cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b बटा वेक्टर a के मोड और वेक्टर b के मोड। एक लाइन और बढ़ाना है तो फंक्शन ऊपर इन्वर्स कर सकते हैं। तो ये बात मैंने लिखा है वेक्टर a है वेक्टर b है, ये दोनों के बीच में जो कोण निकलेगा वही फार्मूला निकालने के लिए आए हैं, क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला बनाया गया। देखिए एक शर्त और आता है कि वेक्टर a लम अगर वेक्टर बी हो, वेक्टर ए लम वेक्टर बी हो तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी के मान 0 के बराबर होता है, क्योंकि आप कॉस 90 डिग्री के मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए लम वेक्टर बी तो ए डॉट बी के मान क्या होगा, कहेगा कि वेक्टर ए लम है वेक्टर बी तो याद रखना ए डॉट बी के मान 0 होगा, और ए डॉट बी के मान 0 आ गए हैं तो कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी के मान अगर 0 आ जाता है तो कब आता है, तो ए के मान 0 होगा तब हो सकता है, या बी के मान 0 है तब हो सकता है, या ए लम वेक्टर बी रहेगा तब हो सकता है। एक जनरल सा बात है याद रखेंगे। एक बात और मैंने लिखा है वेक्टर ए डॉट बी जे आ स्केलर क्वांटिटी। देखिए आप सोच के देखो ई आपका स्केलर है, मोड करने पर हमेशा स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होता है, बी करो तो हमें ई भी आपका स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा भी हमेशा एक मान देता है भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर स्केलर स्केलर, इसलिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल द्वारा हमेशा एक अदिश राशि की प्राप्ति होती है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अब देखिए मैंने लिखा है दो सदिशों के अदिश गुणनफल क्रम इनमें नियम को पालन करता है, यानी a डॉट b को आप b डॉट a लिख सकते हैं, यानी आपको कहने का मतलब है दो सदिशों के अदिश गुणनफल में a डॉट b को b डॉट a लिखो, यानी वेक्टर a डॉट b को वेक्टर b डॉट a लिखते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये क्रॉस में नहीं लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिखा किसी सदिश का स्वयं से अदिश गुणन उस सदिश के मापांक का वर्ग होता है, किसी सदिश के उसी सदिश से अगर गुणा करेंगे तो उसके मोड का वर्ग लिखते हैं, यानी उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। यही बात लिखे वेक्टर ए डॉट ए रहेगा तो वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट बी रहेगा तो वेक्टर बी के मोड के स्क्वायर। इसी तरह हमने इस बात को लिखा कि वेक्टर ए के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट ए लिख सकते हैं, या वेक्टर ए के होल स्क्वायर को वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वही बात लिखिए वेक्टर ए के मोड को लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर, और रूट अंडर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट ए लिखना कोई गलत बात नहीं है, सिंपल बात है, छोटा सा बात है। जैसे वेक्टर ए प्लस बी के मोड कहें तो रूट अंडर ए वेक्टर ए के स्क्वायर वेक्टर बी के स्क्वायर टू वेक्टर ए डॉट बी। उसी तरह वेक्टर ए माइनस बी के होल स्क्वायर कहें तो उसी तरह आप याद रखें वेक्टर ए के स्क्वायर वेक्टर बी के स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड के होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड के होल स्क्वायर। जनरल बात आप याद रखेंगे। एक यहां पर आपका बंटन नियम पढ़े होंगे, तो वेक्टर ए उसे गुना करते हैं बी और सी में तो वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए डॉट सी, ये बंटन नियम है, सिंपल सी बात है। एकदम कम टाइम में आप लोग फॉर्मूला को क्लियर कर लीजिए ज्यादा ठीक रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट कहता है कि वेक्टर ए बराबर, यहां पर हमने लिखा है वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, वेक्टर बी बराबर बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के हो, तो इसको गुना कैसे करेंगे, दो सदिश के अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो दो सदिश के अदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए डॉट बी लिखे, यानी सिंपल आप गुना करना आगे आगे, तो ए वन बी वन फिर ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, कैसे, तो आप सोच लीजिए, आपको हम बताएं यहां पर देख लीजिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, याद रखना आई डॉट आई का मान हमेशा वन, आई डॉट आई का मान वन, जे डॉट जे का मान वन, के डॉट के मान वन, यानी समान रहेगा तो एक और विपरीत रहेगा तो जीरो। डॉट में याद रखे समान तो एक, डॉट में समान तो एक और अलग रहेगा तो जीरो, इसलिए लिखिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का मान हमेशा कितना होता है, वन के बराबर होता है।
लेकिन आई डॉट जे आवे चाहे जे डॉट के आवे चाहे के डॉट आई आवे तो उसका मान 0 के बराबर होता है। इसको अगर मन करे तो यहां पर लिख दीजिए ना आई, यहां पर ऐसे लिख देते हैं डॉट, और यहां पे आपको हम एक डायग्राम बना देते हैं सिंपल में। देखिए यहां पर लिख देते हैं आई, यहां जे, यहां के। ध्यान देने योग्य बात हम करें, क्या ध्यान योग्य है तो पहले देखेंगे यहां पर आई, यहां पर जे, यहां पर के लिख दिए। आप विचार करके जरा सर देख लीजिए, यहां पर देखिए आई डॉट आई के मान बोलेंगे, आई डॉट आई के मान 1, आई डॉट जे के मान 0, आई डॉट के मान 0। फिर अगर कहेंगे आई डॉट, फिर यहां पर आओ जे डॉट आई का मान, जे डॉट आई के मान 0, जे डॉट जे के मान 1, जे डॉट के मान 0, के डॉट आई के मान 0, के डॉट जे के मान 0, के डॉट के मान 1। यानी आप याद रखिए समांत एक विपरीत सीधे 0। इसी आधार पर हम गुणा करेंगे 11 13 में, तो A1 B1, A2 B2, A3 B3। यानी गुणा करेंगे सिंपल तरीका, आगे आगे पीछे पीछे और पीछे पीछे सिंपल गुणा कर लेंगे। अब एक बात मैंने लिखा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बताओ, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बताओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर बी का मोड, जेकरा में पर रहेगा वो नीचे कर देना लेकिन डाउट में। यह देख वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट बी बटा वेक्टर बी का मोड, जेकरा में पर वो नीचे। देखिए वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप था, केरा में पर लगा ए में, तो वेक्टर ए डॉट बी बटा वेक्टर ए का मोड, यानी जेकरा में पर वो नीचे, यानी जेकरा पर रहेगा वो नीचे, अब बाकी कोची में डॉट में, ऊपर डॉट में नीचे जेकरा में पर रहेगा वो। तो एक जनरल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणनफल है क्या? देखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैंने जनरल से आपको बताते हैं, इसमें से बहुत डीप में हम लोग कहानी किए थे, राइट वे थंब रूल क्या होता है ये सब चर्चा किए हैं। कि जैसे हम आपके एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर मैंने एक रॉड ठोसा, यहां से ऐसे ले गए तो वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी, तो ई जो बता रहे था ना ये डायरेक्शन बता रहा एन कैप, यानी यहां से ऐसे ले गए तो वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी, आई आपका डायरेक्शन बता रहा एन कैप। यहां से इसको ऐसे ले जा सकते हैं कि वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए, तो माइनस में नीचे गया एन कैप, तो ऐसे ले जाइएगा तो वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी ये डायरेक्शन बता रहा है कि एन कैप, और एक ऐसे ले जाइए तो वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए तो ये नीचे जाएगा तो ये हो गया माइनस एन कैप। तो याद रखेंगे ये डायरेक्ट फोटो वगैरह हम पार दिए, तो कह रहे वेक्टर ए क्रॉस बी के मतलब क्या होता है, ए के मोड बी के मोड साइन थीटा एन कैप, यहां से यहां तक आपका, यहां से यहां तक आपका मैग्नीट्यूड दे रहा है लेकिन एन कैप आपको डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए याद रखेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल द्वारा एक नियत वेक्टर की प्राप्ति होता है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हमेशा एक वेक्टर की उत्पत्ति होता है दो सदिश के सदिश गुणनफल द्वारा। तो यही बात हमने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, लेकिन क्रॉस में जब था डॉट में था तो हम लोग को क्या मिला था, स्केलर मिला था। तो इसीलिए याद रखना वेक्टर ए क्रॉस बी के मतलब वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी के मोड साइन थीटा एन कैप, यही सूत्र को द्वारा लिख दिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा एक नियत वेक्टर की प्राप्ति होती है, एक नियत वेक्टर की प्राप्ति, ए क्रॉस बी करेंगे तो हमेशा एक नई वेक्टर की उत्पत्ति होगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम वेक्टर सी भी बोल सकते हैं, एक नई वेक्टर की उत्पत्ति होगा तब। देखिए नई वेक्टर की उत्पत्ति कैसे होता है जरा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा देर में आपको हम दिखाते हैं कि नई वेक्टर की उत्पत्ति कैसे किया जाता है। तो देखिए यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड बटा वेक्टर ए के मोड वेक्टर बी का मोड, यानी दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बीच का अगर कोण निकालना हो तो साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड बटा वेक्टर ए के मोड और वेक्टर बी के मोड, ये सब फॉर्मूला आप जानते होंगे बेहतर ढंग से। अब देखिए यहां पर लिखे हैं वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो, तो याद रखना वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान हमेशा 0 वेक्टर आएगा, समांतर रहेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 होगा, लेकिन याद करो डॉट में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 था तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी था। उसी तरह लिखे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 कब हो सकता है, तो ए के मान 0 हो चाहे बी के मान 0 हो। अब जरा सा केयर करिएगा,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश, यानी एन कैप का एक सूत्र है, जैसे हम लोग वेक्टर में निकालती डॉट में निकालते थे कि एक कैप बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मोड, उसी तरह सदिश गुणनफल में भी हम निकाल सकते हैं एन के बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड, ये आपका सूत्र हुआ। किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है, या फिर डॉट में किसी सदिश के स्वयं सदिश से सदिश गुणन अदिश गुणनफल वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए अगर कहें तो वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ क्या है किसी सदिश के उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस ए कहेंगे तो जीरो वेक्टर, चाहे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी कहें तो जीरो वेक्टर, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी भी कहें तो जीरो वेक्टर ही होगा। अब यहां पर लिखे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रमान्वयन नियम को पालन नहीं करता है, डॉट में करता है लेकिन क्रॉस में नहीं करता है। वेक्टर ए क्रॉस बी को हम नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, हम लिख सकते हैं तो क्या वेक्टर ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। एकदम बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका मान ही जीरो हो गया तो टोटल जीरो हो गया, ए क्रॉस बी के मान अगर जीरो कहते हैं भी आपका क्या हो गया जीरो हो जाएगा। तो एक जनरल सी बात है, थोड़ा सा याद रखेंगे, छोटी सी बात है, क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 16 की ओर आते हैं। देखिए आई क्रॉस आई, देखिए आई क्रॉस आई डॉट में क्या था कि आई डॉट आई तो वन था, लेकिन क्रॉस में आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, रिजल्ट जीरो होगा। डॉट में वन होगा समान रहने पर, और क्रॉस में समान रहने पर जीरो, डॉट में समान नहीं रहेगा तो रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो था। यहां पर देखिए समान है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो रिजल्ट होता है जीरो। बहुत खास है छोटू, बहुत बार एग्जाम में इसे पूछा है, तो याद रखें आई क्रॉस वाला। इधर मैंने आपका डायग्राम आपको बना दिया है कि आपको ध्यान रखना आई क्रॉस जे कहेगा तो के होगा, जे क्रॉस के कहेगा तो आई होगा, के क्रॉस आई कहेगा तो जे होगा, यानी ऐसे चलेगा तो पॉजिटिव और ऐसे चलेगा तो निगेटिव। देखिए अगर हम कहें जे क्रॉस आई तो माइनस के, जे क्रॉस आई तो माइनस के, फिर अगर हम कहते हैं आपको कि के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, के क्रॉस जे तो माइनस आपका आई हो गया, फिर अगर हम कहते हैं आपको कि आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के तो आपका रिजल्ट हो गया माइनस जे। अगर ऐसे चलेगा तो पॉजिटिव और ऐसे चलेगा तो निगेटिव, समझ रहे बात को, जनरल बाद में याद रखेंगे। आई क्रॉस जे का मान के होता है, जे क्रॉस के का मान आई, के क्रॉस आई का मान जे, इस तरह से ई वाला याद चक्कर याद रख लो, कोई चक्कर में नहीं पड़ेगा ई, अगर चक्कर याद रखो चक्कर में किसी को नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं लिखित गारंटी देता हूं कि इस पर क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा एग्जाम में, एकदम पक्का है कि आपको इस पर क्वेश्चन छपा हुआ है बोर्ड में। फिर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी असंध भुजा वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के सीधे सीधे मोड कर दो। हमको कहेगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा वाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड कर दो। बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी निकालो, मोड करिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड हो जाएगा। उसी तरह यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज के संलग्न भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। इस सभी पर मैंने उदाहरण दे देकर बहुत चर्चा किए हैं, करीब 2 महीना से 2.5 महीना तक मैंने वेक्टर और 3D को पढ़ाया है, आपको सिर्फ रिविजिंग के लिए दे रहे हैं कि आप किसी तरह आप रिविजिंग कर लीजिए। अब हमारे स्क्रीन पे आता है यदि वेक्टर ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, वेक्टर बी बराबर बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के हो, तो हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए वेक्टर ए में आई जे के, तो वेक्टर ए के आई जे के गुणांक, वेक्टर बी के आई जे के गुणांक लिख दो। और एक हमने आप लोग को सिखाया था झाप झाप के तत्वों को हल करने के लिए, इसको झापो इसको झापे बचे वाला छापो, बीच वाला झापो ऊपर वाला झापो बचे उसे छापो, फिर इसको किनार इधर किनारे वाला झापो ऊपर वाला झापो बचे वाला छापो, झाप झाप के तोप तोप के करने के लिए हम सिखाए थे, बहुत ही बेहतर और खूबसूरत अंदाज में। अब आइए हमने लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें क्या है देखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, यानी चक्कर को देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, चाहे हम आपको क्या लिखे चाहे इसी चीज को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
डॉट वेक्टर सी, यानी हम बोलेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी बोलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी बोलो, चाहे हम कहेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी बोलो, एक ही बात है। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, चाहे बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो इसी चीज को इस रूप में लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। हालांकि है हम लोग को बीएससी पार्ट वन में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछ दिया है इसलिए हमको बताना अनिवार्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी से चालू करते हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, या हम बोल सकते हैं वेक्टर, देखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए, या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इस बात को लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, यानी हम क्या बोले वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए, चाहे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस सी डॉट वेक्टर ए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं, इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसी तरह हम आपको सी से चालू करते हैं, पहले ए से चले फिर बी से चले अब सी से चले, तो लिखे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी। अब यही बात लिखे वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर सी, तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट सी, और ए क्रॉस ए का मान जीरो होता है तो हम सीधे लिख दिए जीरो, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर सी है, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर सी है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर सी। आज जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान जीरो होता है, तो जीरो इंटू वेक्टर सी के मान जीरो के बराबर हो गया, इसलिए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर सी दे दे। यानी कहने के मतलब कि ऐसा डब्बा में एक रगन दो को आ गया तो सीधे रिजल्ट जीरो याद रखना, ऐसा डब्बा में अगर एक रगन आ जाए तो सीधे रिजल्ट जीरो रखना, दो एक रगन आए तो जीरो, फिर यहां पर यहां पर एक मान जीरो, फिर यहां पर देखो सी यहां पर सी एक रगन है तो जीरो। अब हमको कह रहा आई जे के का मान क्या होना चाहिए, आई जे के का मान, तो देखो आई अब आई है तो एक रगन हो गया तो सीधे सीधे जीरो हो गया। अब एक आप सोच के देखो एक रगन नहीं है, आई जे के है, देखिए आई जे के है, आई जे के है तो आपको जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, आई जे के है, देखिए आई जे के है तो ये आपको जीरो के बराबर नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग बताने के प्रयास करेंगे हमारे साथ अगर है तो। बताइए इसको क्या होना चाहिए, आई जे के है तो इसका मान जो हम अगर कहेंगे कि क्या होना चाहिए तो यहां पे हम क्या कहेंगे जो बताइए, तो इसको सिंपल वे में आप सोच कर देख लीजिए, यहां पे सोच कर देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, आप बताइए आई डॉट जे क्रॉस के मान आई, इसका मतलब वन हो गया। याद आपको रखना है कि अगर इसमें एक रगन कोई दो हुआ गया तो जीरो, और तीनों में से तीनों तीन रगन रहे तो याद रखना हमेशा मान वन के बराबर आ जाएगा, सोल्व करके उसको देख लीजिएगा, ऐसे एक रगन है तो जीरो, बाकी दो रगन है तो आप सोल्व करके देखेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा है तो औरों के बीच में शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना न छोड़े और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी लोग एक केवी से एक के से ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी सेंस की 100 के अगर हो जाता है वीडियो में तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 3B, जिसमें स्ट्रेट लाइन और प्लेन और ये जो हम लोग बता रहे हैं बहुत ही उसका बेहतर फॉर्मूला है उसको लेकर आएंगे। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम 100K में पहुंच जाए, ताकि मैं आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो 3D के लेकर आऊं और आप लोग के बीच बहुत ही बेहतर और खूबसूरत अंदाज में फिर से एक बार बात करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मैं अपील और याचना एक बार लास्ट में करता हूं कि एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे मनोबल बहुत ही ऊपर जाए और नेक्स्ट वीडियो बनाने में निरंतरता के साथ द्वारा मैं आप लोग के बीच लाइव आता हूं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।